कोई आकर मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं कहूँगी कि मैं भगवान की बच्चे, आत्मा, परमात्मा की संतान हूँ। कोई यदि मुझसे पूछे कि तुम करते क्या हो, तो मैं कहूँगी कि मैं उस ईश्वर के साथ में बातें करती हूँ। कोई अगर मुझसे पूछे कि तुम क्या करते हो, तो मैं कहूँगी कि जो ईश्वर से मैंने पाया है उस ज्ञान को और उस ईश्वर की बातों को मैं सबके साथ में साझा करती हूँ। कोई अगर मुझसे पूछे कि क्यों करती हो, और शायद मुझे कोई पागल भी कह सकता है कि ये तो भगवान से बातें करने की बात कर रहे हैं, भगवान से बातें करना आसान है क्या, तो मैं कहूँगी कि हाँ, इस दुनिया में आपको यदि इंसान से बात करनी है तो भले ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन भगवान से बातें करना बहुत आसान है। और जो भगवान को बहुत सहजता से राजी कर सकते हैं, वो इस दुनिया के किसी भी इंसान को आप राजी नहीं कर सकते। आप इस संसार के मनुष्य आत्माओं के लिए अपनी जान भी हथेली पर रख देंगे, तो भी उनको आपके ऊपर कहीं ना कहीं से शक ही होगा। लेकिन भगवान को जो आप एक बार प्यार से याद कर लेंगे, तो भगवान आप पर फिदा हो जाएगा। परमात्मा का प्यार ऐसा प्यार है जो आपके मुख से बोल सुनने के बाद नहीं, बल्कि आपके मौन की भाषा को समझता है। परमात्मा का दिल इतना बड़ा है कि संसार का यदि हर कोई मनुष्य आत्मा उसे सच्चा दिल देना चाहे, तो वो सारे दिलों को अपने एक दिल में सहेज कर रख सकता है। परमात्मा कैसे राजी होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद के दिल को सच्चा और खुद के मन को साफ, हर किसी के प्रति आपके मन में सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना होनी चाहिए, हर किसी के प्रति आपके मन में प्रेम होना चाहिए, चाहे फिर वो कैसी भी आत्मा हो। परमात्मा आपके सच्चे हृदय से और सच्चे मन से राजी होता है। परमात्मा भावनाओं से और आपके अंतर मन की स्वच्छता से राजी होता है। हाँ, ईश्वर से जब हम बातें करते हैं तो वो जवाब देता है, उस जवाब को हमें कैसे समझना है, यह भी तभी संभव है जब आप किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्पों में नहीं रहेंगे। आपकी सोच एकदम सबके प्रति सच्ची, भावना सच्ची, और सबके प्रति आपके मन में सिर्फ और सिर्फ शुभ कामना होगी, तभी परमात्मा आपके जो कर्म श्रेष्ठ हैं, और यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन सच्चा है, आपके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, लेकिन परमात्मा आकर के नहीं, आप उनकी याद करते हैं तो वो आपके साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा आत्मा सो परमात्मा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप आत्मा सच्चाई सफाई से यदि सच्चे मन से सच्चे दिल से, सिर्फ आपके लिए सच्चा दिल सच्चा मन नहीं, सभी के प्रति आपका सच्चा मन सच्चा दिल होना चाहिए, तब परमात्मा आपके हर कार्य को सफल बनाता है। और जो सफल नहीं होता, तो उसके पीछे भी या तो उसमें आपकी भलाई है जो काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। परमात्मा वो नहीं करता जो आप चाहते हैं, परमात्मा वो करता है जो आपके लिए अच्छा हो। और जो कई बार हमेशा उल्टा ही हो, या आप कितना भी उनको साथ लेकर के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, इसलिए आप किसी कार्य में सफल नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ इस एक जन्म का हिसाब आपके साथ नहीं चलता, आपके साथ में
जन्म जन्मांतर का जो हिसाब किताब है वो चुक तो होने के लिए फिर आपको उस दौर से, उस असफलता से गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप परमात्मा को राजी कर सकते हैं उन किए विकर्मों का और उन किए हुए अपने द्वारा किसी को मनसावाचा कर्मणा कष्ट देने का। यदि आप सच्चे दिल से उनको इमर्ज करके माफी मांग लेते हैं तो आपके कार्य संभवतः सफल होंगे, जरूर होंगे। तो मैं परमात्मा की जो सेवाधारी, परमात्मा के महावाक्यों को जो चुनाव करके परमात्मा जो सुनाते हैं उन बातों को हूबहू परमात्मा के जो मेरे पास में अनुभव है, जो बाबा ने मेरे पर मुझे साथ दिया है, तो मैं कहीं ना कहीं उस साथ को आप सबके साथ में शेयर करके आपको भी अपने हर किसी पोस्ट के द्वारा, हर किसी वीडियो के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ मैं उन मनुष्य आत्माओं को ईश्वर के पास तक पहुंचाना चाहती हूं, या उस ईश्वर का साथ कैसे आप ले सकते हैं उस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। आप चाहे किसी भी ड्रामा में हो, किसी भी प्रकार की आत्मा हो, किसी भी तरह की आपकी सोच हो, लेकिन आप यदि इन बातों को समझेंगे और परमात्मा के साथ का हाथ आपके साथ, आपको सदा अनुभव करना है तो उसके लिए फिर आपको परमात्मा का हाथ पकड़ने के लिए आपको सच्ची भावना, सच्चा हृदय, सच्चा मन और अपने जो कर्म आपने कभी गलत किए हैं उनको सुधारने का वादा, और आप किसी के प्रति यदि किसी भी तरह की अशुभ भावना रखते हैं, अकल्याण की भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो उन सबको आपको ख़त्म करना होगा, उनको सदा के लिए आपको छोड़ना होगा, और आपको ईश्वर का साथ तभी मिलेगा जब आपके सबके प्रति आपके मन में सच्ची भावना होगी, और आप मन धन से तन से सफल तभी होंगे जब आप उसे अब सफल करेंगे। और सफल कैसे होगा, यदि आप कहें बहुत बड़ा अमाउंट भी अगर आप दान में देना चाहते हैं तो मैं तो यही चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव से आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि हम अभी तक जाने अनजाने अज्ञानवश जो भी दान या किसी भी तरीके का हमने किसी के लिए कुछ दिया है तो वो किस तरह से उसका अलग तरीके से व्यर्थ भी उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते होंगे आप नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा के जो बच्चे हैं, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर हैं, जगह जगह ये बाबा ने सेंटर्स खुलवाए हैं और निमित्तात्माओं को वहाँ सेवा के लिए सेवाधारी बच्चे रखे हुए हैं, तो उन बच्चों की जो पालना होती है वो इसी दान जो आप देते हैं ना, धन स्थूल धन से आप सहायक बनते हैं परमात्मा के, या स्थूल धन को आप सफल करना चाहते हैं तो आप यदि स्थूल धन देना चाहते हैं तो वहाँ आप देंगे तो आपका धन सफल होगा। वो ऐसा क्योंकि वहाँ पे उसका सही मायनों में सही इस्तेमाल किया जाता है, उसका व्यर्थ यूज़ नहीं किया जाता, उनसे उनके बच्चों की पालना होती है और उनके बच्चों का ही सब काम होता है। जब कभी आप किसी भी कार्य के लिए देना चाहें तो आप दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गरीबों के लिए नहीं दे सकते या किसी गरीब की आप सहायता नहीं कर सकते, तो उस पैसे को कभी भी व्यर्थ कार्यों में खर्च नहीं किया जाता और इस तरह से आपका पैसा सफल हो जाता है, फिर आप किसी और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इनडायरेक्ट हो जाता है, यहाँ आप जब देते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है और ये कैसे ना कैसे आपका हर हाल में सफल ही होगा। तो इस तरह से आपका जो भी प्रश्न होता है, यदि आप सच्ची लगन से उस परमात्मा को सच्चे दिल से ये सिर्फ याद करते हैं और कोई भी आपका बहुत बड़ी उलझन है, समस्या है, प्रश्न है, तो वो किन्हीं ना किन्हीं आत्माओं के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा, मुरली के द्वारा, कहीं कोई आप लेख, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा लेख पढ़ रहे होते हैं उसके द्वारा, या किन्हीं टीवी में कुछ अच्छा आप प्रोग्राम देख रहे हैं उसके द्वारा, या चलते फिरते आप किसी के संबंध संपर्क में आते हैं उनके बोलचाल के द्वारा, या कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से परमात्मा निमित्त बना करके ज़रूर ज़रूर आपका
आपका प्रश्न का उत्तर देता है, बशर्ते कि आपको उसके लिए इतना अपने आप को अटेंशन में रखना होगा कि जो आपका प्रश्न है उसका कोई भगवान खुद आकर के उत्तर नहीं देता है, उसका उत्तर वो देते हैं किसी ना किसी के द्वारा, आधार के द्वारा। तो इसीलिए आपको फिर उतना सतर्कता और उतना माइंड शार्प, बुद्धि को आपको एकदम स्वच्छ रखना होगा, श्रेष्ठ संकल्पों में सदा आपको स्थित होना और श्रेष्ठ ही आपको कार्य करना होगा। और श्रेष्ठ कर्मों का, चूंकि ये समय चल रहा है कर्मों को बनाने का, और जो कि सिर्फ परमात्मा ही आपसे ये कार्य करवा सकते हैं और आपके लिए ही कल्याणकारी कार्य है, और आपके कर्मों का ही बाबा हिसाब किताब बता करके आपके ही श्रेष्ठ कर्मों को बनवाते हैं, तो आपके द्वारा वो बनवाते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि किस तरह से आप ईश्वर का साथ हर पल ले सकते हैं और किन स्थिति में वो साथ देते हैं और किन परिस्थितियों में वो साथ नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं स्वमत और परमत, ये दोनों से दूर रहना है आपको, सिर्फ श्रीमत पर फॉलो हो जाना है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जितना आप श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहेंगे उतनी ही आपकी जो स्थिति है वो श्रेष्ठ होगी। आप जितने व्यर्थ में उलझे रहेंगे उतनी ही आपका जो अंतर में कमजोरी आएगी, आप हिम्मतहीन खुद को महसूस करेंगे, आपको बिल्कुल भी अंदर से अच्छा फील जब नहीं होता, क्योंकि आपके जो संकल्प चलते हैं वो बहुत ही कैसे चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं। जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं उससे आपकी मन की स्थिति भी और आपकी जो शरीर की स्थिति भी बहुत अधिक कमजोर होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सदा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों के उसमें रहिए, आप एनवायरनमेंट भी वैसा ही बनाइए और बीज भी वही डालिए जिससे और वो दुगना तिगना होता जाए। अच्छा, ओम शांति।